Yes, ma'am, because this life, you know, is a journey. फायर ड्रिल हो रहा है। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a third year medical student in Oremburg State Medical University. आज हम लोग ऐसी स्पेशली यात्रा देने के लिए थर्ड कॉर्पस आए। कोई क्लास ही ना हमारा, बस यात्रा मतलब कोई जो क्लास छूट जाती है आपका उसका आप रिपे करने आते हो या वो ड्यूटी करने आते हो वो क्लास देने आते हो। तो हमारा भी क्लास छूटा नहीं था जब क्लासेज ऑनलाइन हो रही थी, जब हॉस्टल में क्वारंटीन था ना, जब कोविड आउटब्रेक हुआ था हमारे हॉस्टल में, उस टाइम कुछ हमको होमवर्क दिया था। होमवर्क मतलब हमको क्लास कवर करके भेजना होता था। तो हम लोग सर को जो मेल पे भेजा, सर ने उसके मार्क्स चुराए और उसके बाद में फिर सर बोल रहे थे कि मेरे को दिखा नहीं है ऐसा वैसा, फिर बार बार बोलने से अच्छा फिर हम लोग अभी उसके अतिरिक्त लिए आ गए। तो जो टॉपिक्स हमने भेजे थे वो टॉपिक हमने अभी फिर से लिख के दे दिए, तो उसके मार्क्स 3 दिन चढ़ा देंगे सर। आगे वापस बस से जाएंगे हॉस्टल, जाएंगे खाना खाएंगे, पढ़ेंगे, सो जाएंगे। चल ये स्प्रिंग हॉलीडेज के पहले की, 1 से 10 में की स्प्रिंग हॉलीडे होगी ना, उसके पहले की अभी एक लास्ट साइकिल बची है। ठीक है, आज ट्यूसडे है, आज पहला दिन इंटरनल मेडिसिन का, अभी इंटरनल मेडिसिन चलेगा यहाँ से सैटरडे तक, फिर संडे से लेकर 2 हफ्ता छुट्टी होगी 10 मई के आसपास तक, और फिर आखिरी 20 दिन की क्लासेस 11 से 30, और लास्ट में फिर जून में एग्ज़ाम्स। ये वही अपना इंटरनल मेडिसिन का कैंपस, यहाँ लगती है क्लास इस साइड, और क्या ही नज़ारा बदल गया। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बिल्कुल हल्की हल्की सी बर्फ़ थी, और अभी जब साइकिल लगी तो पूरी घास वास उग चुकी है, पूरी हरियाली हो गई पूरे साइड। यही ठीक मौसम है ऐसा, इसमें ऐसा गंदगी नहीं, ठंडी नहीं, बड़ा प्यारा मौसम, एकदम प्रॉपर गर्मी भी नहीं। यहाँ से अपने शूज चेंज करते हैं इस साइड, हो गया क्लास 12 से 3 तक हो गया, और एक टॉपिक ऑस्कल्टेशन का वो आत्रा, उसमें हम में से किसी को मार्क्स नहीं चढ़े थे वो हमने दिया, और थर्ड डे की जो एग्ज़ाम है ना अभी, तो उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो अभी होगा थर्सडे को, तो उस दिन क्या क्या आएगा वो सब बताया गया हमको, कि परक्यूशन आएगा, ऑस्कल्टेशन आएगा, किस किस चीज़ का, वो सब तो हमने लिखा, तो उसमें से कुछ कुछ चीज़ें अभी तक उनको पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाएगी मैम। बाय मुफ्ती, बाय बाय। ये सभी लोग अभी थर्ड ऑप्शन जा रहे हैं मुफ्ती, क्योंकि दूसरे कंसल्टेंसी से आया था, और ये श्री है, सेकेंड क्लास भी हो गया इंटरनल का, कल है मेन मॉड्यूल प्रैक्टिकल स्किल्स का, हमने वीडियो से निकाले, घर पर जाके आराम से निशान पे प्रैक्टिस करेंगे, कल ट्राई किया जाएगा पूरा परफॉर्म करने का, देखा जाएगा कितने कौन पानी में। कैब मार दी हमने अभी, कैब वाला आ गया होगा हमारा। निशांत अरे कोई खिलाओ भाई, फर्स्ट यू शुड ईट, मैम इट इज शुगर फ्री, गुड एंड फ्री शुगर फ्री, हेल्दी, फुल हेल्दी, नो फैट, फुल जिम,
अबे वो मैम के लिए लाने बोलना है, मैम को घर पे खाने वाले आज हमारा इंटरनल मेडिसिन का प्रैक्टिकल था। इंटरनल मेडिसिन का जो एग्जाम है तो दो पार्ट में डिवाइड था, थ्योरी और प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल पार्ट था जो हमारा आज हुआ। आज मतलब हमारी ऐसी ऑफिशियली लास्ट क्लास थी इंटरनल मेडिसिन की, तो आज प्रैक्टिकली जितने सारे प्रैक्टिकल्स की सबको पढ़ाए गए थे। बस अभी इंटरनल मेडिसिन खत्म, यहाँ से स्प्रिंग हॉलीडेज लग जाएगी कल की क्लास के बाद से। रशियन सब एक ही गाना बजाते हैं, वो जीमी जीमी वाला ही गाना चलते हैं। क्या ही पता नहीं, क्या ही ऑप्शन है इन लोग का। तो अभी डिफरेंट है, डिफरेंट है। रशियन बंदा क्लास होती है आज, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने फर्स्ट में किया था। आज क्लास हो गया, आज कल छुट्टी है। वैसे कल एक क्लास है बाकी लोगों को, लेकिन हमको केस हिस्ट्री देना है इंटरनल मेडिसिन का। तो अभी हमारी जो स्प्रिंग हॉलीडेज है, ऑटम या स्प्रिंग ही है शायद मोस्ट ऑफ, उसकी छुट्टी चालू होगी। और छुट्टियाँ मतलब फिर भी एक स्टडी लीव टाइप है, क्योंकि जून में हमारी एग्जाम्स है। फिर भी अच्छा है कि सुबह उठने की अभी दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 11 तारीख को उसके बाद फिर क्लास है, और फिर उसके बाद तो 20 दिन क्लास है। फिर उसके बाद फिर डायरेक्टली जून में एग्ज़ाम, मतलब मई 11 से मई 30 तक क्लास है। उसके बाद में जून में एग्ज़ाम्स 6 या 7 तारीख से। उसके बाद में मुणाल की टिकट है, मुणाल घट जाएगा। और तो क्या फुल ट्राई ये प्रिपरेशन है विक्ट्री डे के। जो रशियन का नेशनल फ्लैग है उसके कलर के अकॉर्डिंग पूरी चेयर्स लगाई है। वो लेनिन सर का पुतला है, बीच में यहाँ मार्च वार्च होगा तो बढ़िया फंक्शन होगा। पूरी प्रिपरेशन बहुत दिन से चल रही है ये, ऐसा एक महीने के आधी पहले से प्रिपरेशन चालू हो जाती है इनकी। ये फाउंटेन अभी चालू हो गया फाइनली, उन्होंने लग गया मित्रों, उन्होंने दुखाला बोल भाई, इसे उन्होंने चालू हो गया है। और यहाँ पहले ठंडी रहती थी, अभी सब ट्रैवल नहीं कर पाता था। मैं काला नहीं आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो फाउंटेन कैसे दिखेगा फिर, काला तो है ही तू। अभी देन पाबी दी आ रहा है,
9 मई को जो इधर विक्ट्री डे के फंक्शन का वो लगा है उधर इस साइड, जो भी आर्मी होगी ना उसका मार्च वार्च होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा। अपन 9 मई को बिल्कुल इधर हाजिर उपस्थित रहेंगे, पूरा फंक्शन कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फाउंटेन, जो फाउंटेन बंद रहता था, अभी फाउंटेन चालू हो गया। यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं जरा सा। और जे मैं सानू छड़ गई ही आनी तू अलड़े, जदों तेनू कोई छड़ूगा तो पता लगूगा।